हाय फ्रेंड, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं ECS TTN Cyprus का आज का जो मैच नंबर 37 और 38 होगा, जो खेले जाने वाला है AMD वर्सेस ROI के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज 12:15 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो 8 विकेट है, एवरेज स्कोर 110 से 140 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर अब तक 36 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 17 मैच जीते बैटिंग टीम ने, 19 मैच में ना चेज हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें AMD की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको आप टोटस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपके इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जब आप कमेंट करते हैं वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लें AMD की टीम की। लास्ट 6 मैच के लिए टीम 3 मैच हारी है, 3 मैच ये विन किए हैं, काफ़ी अच्छी टीम है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी पृथ्वीराज देवल ने और यहाँ से चेतास सहा ने। देवल की बात करें तो यहाँ पर 5, 12, 24, 54, 75 नॉट आउट और 35 रन, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हर मैच में अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए हैं, तो छोड़ने का चांसेस बनता नहीं है, टीम में जरूर रखूंगा। चेतास सहा की तरफ आते हैं 34, 3, 17, 40, 2 और 1 रन। 3 मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 3 मैच में थोड़ी डाउन है। टीटन के 16 मैच में 216 रन, 16 का एवरेज रहा। गौरव सागवान की तरफ आ जाते हैं 4, 2 विकेट, 28, 1 विकेट, यहाँ से 0 रन, 1 विकेट, 25, 0 विकेट। और देख सकते हो यहाँ पर ना बॉलिंग ही नहीं मिली, वरना आपको हर मैच में बॉलिंग का था दिखाई देने वाला था, बट लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिली। अगर बॉलिंग मिलती तो कन्फर्म विकेट निकाल के जाता, बट अच्छा ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि इस मैच में अच्छे पॉइंट देखे जाने वाला है। विमल कंडोर की बात करें 44, 1 विकेट, 15, 0 विकेट, 4, 1 विकेट, 1 विकेट, 23, 2 विकेट और 0 विकेट है। हर मैच में ना देख सकते हो बॉलिंग से हर मैच में ने 2-2 ओवर मिल रहे थे, बट लास्ट मैच में 1 ओवर कट गया, बट अच्छा ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि ना आपको हर मैच में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देने वाला है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विनोद सावंत की बात कर ले 10 नॉट आउट 1 विकेट, यहाँ से 42, 1 विकेट, 11, 0 विकेट, 17, 1 विकेट, 1 विकेट और 39, 0 विकेट है। हर मैच में आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों देने वाला है। लास्ट मैच में विकेट से तो अच्छे पॉइंट नहीं दिए, बट बैटिंग अच्छी की, उस साथ में आपको बॉलिंग का दिखाई देने वाला है, तो अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इतेश थडानी की बात करें 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट है। पूरे 5 मैचों में ना पहले वालों में हर मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं, 2-2 विकेट हर मैच में निकाले, बट लास्ट मैच में ये विकेट नहीं निकाल पाया, बट अच्छा ऑप्शन है, इस मैच में अच्छे पॉइंट आपको देने वाला है, तो मैं टीम में जरूर रखूंगा। पंकज परवेज की बात करें 9 बैटिंग 14 15 नॉट आउट, टीटन के यहाँ पर 15 मैच में 220 रन, 7 विकेट इनके नाम है। केतन दान की बात करें 0 नॉट आउट, 9 बैटिंग 9 बैटिंग और 9 बैटिंग है। हरीश काकिता की बात करें लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, विकेट नहीं मिला, टीटन के 6 मैच में 3 विकेट 10 ओवर डाल के। राहुल शुक्ला पहले 2 मैचों में 9 बैटिंग, उसके बाद में लास्ट मैच हुए ना 3, उसमें भी यहाँ पर ये 9 बैटिंग रहा। सागर सनाप की बात करें 9 बैटिंग 0 विकेट और 1 विकेट है, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, विकेट नहीं मिला, टीटन के 8 मैच में 12 रन है, 12 का एवरेज रहा। बात करें बेंच में से तो बेंच में से जो भी खेले आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आप अपने बेहतर टीम बना पाओगे। स्टार्टिंग में डालने जाएंगे यहाँ से H थंडानी और यहाँ से H काकिता, डेथ को डालने जाएंगे S सनाप, V सावंत और V खंडूरी। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए मॉडर्न देने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे देखे जाएंगे। तो यहाँ पर अब दूसरी टीम ROY की बात कर लें। लास्ट 6 मैच के लिए टीम 2 मैच विन के, पहले 4 मैच ये हार के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी सतीश कुमार ने, उमर साहा ने। सतीश कुमार की बात करें 0 विकेट 9 बैटिंग 13 रन, 24, 1 विकेट 24, 0 विकेट और 36 रन। लास्ट के मैच में ना इन्हें बॉलिंग नहीं मिली, अगर बॉलिंग मिलती तो चांस है कि विकेट निकाल के जाते, बट अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो टीम में जरूर रखने हैं। यहाँ से आ जाते हैं उमर साहा की बात कर लें 7 रन 45, 1 विकेट 30, 1 विकेट 30, 0 विकेट और 8 0 रन है। यहाँ पर पहले मैचों में ना विकेट नहीं निकाल पाए, बट लास्ट के दोनों मैचों में इन्होंने ना देख सो तो अच्छी बैटिंग की है। यहाँ पर अगर बॉलिंग मिलती ने तो कन्फर्म विकेट निकाल के जाता, बट यहाँ पर लास्ट दोनों मैचों में देख सकते हो ज़्यादा तो नहीं कर पाए, पर बैटिंग इन्हें मिली थी, बट अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, टीम में जरूर रखना है। करण सिंह की बात करें 1 विकेट 10, 1 विकेट 11, 1 विकेट 27, 0 विकेट 13 रन नॉट आउट, यहाँ से 15 1 विकेट, ये भी आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है क्योंकि ना एक मैच ऐसा गया है जिसमें ये बॉलिंग नहीं मिली इन्हें, बाकी हर मैच में इन्होंने कन्फर्म बॉलिंग की है और विकेट भी निकाले हैं। बात कर ले रवि कुमार की,
पाँच एक विकेट, 24 तीन विकेट, 19 10 नौ बैटिंग और यहाँ पे 6 एक विकेट। देख सकते हो क्या हो रहा है, बंदे को पहले दो मैचों में बॉलिंग मिली, विकेट भी निकाले, पर उसके बाद में तीन मैच हो गए बॉलिंग इन्हें नहीं मिली, बट लास्ट के मैच में एक ओवर डाल लिया और एक विकेट भी निकाल लिया। तो यहाँ पर यही होता है T10 में, जब भी बंदा अच्छा करके जाता है ना उसे यहाँ पर ये फ्लॉप कर देते हैं। तो मैं तभी बोलता हूँ कि इस T10 में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको हो सके तो ग्रांड ली खेलना है, इस मोले आपको नहीं खेलना है। लवप्रीत की बात करें, 29 दो विकेट, 10 जीरो विकेट है। देख सकते हो दो विकेट निकाल के आ रहा है, पर फिर भी देख सकते हो बंदा बॉलिंग करना ही भूल गया, एक ओवर डाला पर विकेट नहीं मिला। बात कर ले सुरप्रीत सिंह की, 12 जीरो विकेट, यहाँ से 8 जीरो एक, 16 जीरो विकेट और 24 जीरो विकेट है। बॉलिंग तीन मैच में की, विकेट नहीं मिला, बट तीन मैच में बॉलिंग भी नहीं मिली, बट ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो टीम में रख सकते हो। राहुल बहल की बात करें, 12 नौ बैटिंग, 8 नौ बैटिंग, नौ बैटिंग और 6 रन है। हितेश उल्लाह की बात कर लेते हैं, 3 जीरो विकेट, नौ बैटिंग, जीरो विकेट, 3 एक विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट है। ये आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है, छोड़ने का कोई चांसेस बनता नहीं, क्योंकि आपको हर मैच में दो दो ओवर डालता दिखाई देने वाला है और विकेट भी हर मैच में निकाल लेता है, तो इंपॉर्टेंट है। हरजीत सिंह की बात कर लेते हैं, 6 रन, जीरो विकेट, नौ बैटिंग, जीरो विकेट, एक विकेट और एक विकेट है। पहले 4 मैच में अच्छा नहीं किया, बट लास्ट के दोनों मैचों में विकेट निकाल के आ रहे हैं। जियाउद्दीन की बात करें, 0 विकेट, नौ बैटिंग, नौ बैटिंग, एक नौ बैटिंग और नौ बैटिंग है। ओवरऑल 27 मैच खेला, 273 रन, 7 विकेट इनके नाम है। हाँ, यहाँ से मोहम्मद हमजा की बात कर लें, 0 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट है। हर मैच में आपको बॉलिंग करता दिखाई देने वाला है। यहाँ पर दो मैच ऐसे गए जिसमें ये विकेट नहीं निकाल पाए, बाकी चारों मैचों में इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले हैं। बात करें बेंच में से, तो बेंच में से जो भी खेले आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टार्टिंग को डाले जाएंगे एम हमजा, एच उल्ला, एच सिंह। डेथ को डाले जाएंगे एस सिंह, आर कुमार और के सिंह। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे दे के जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो के एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम से जो उन्होंने आपके लिए काफ़ी जरूरी रहता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर अपने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला पी देवल को, बैटिंग सेक्शन से वी खंडूरी को, यू साहा को, ऑलराउंडर सेक्शन से जी सागवान को, एच थंडानी को, लवप्रीत को, यहाँ से एस कुमार को, के सिंह को, बॉलिंग सेक्शन से वी सावंत को, एच उल्लाह को, एम हमजा को, कैप्टन करूँगा वी खंडूरी को, वाइस कैप्टन करूँगा एच थंडानी को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग उठाने के बाद में ही दे पाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, वैसे सपोर्ट आप हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।